हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर गाइस आप जो है कैलकुलेटर ऐप लॉक का अगर इस्तेमाल करते हो और उसके पासवर्ड को अगर आप भूल गए हो तो उसको आप किस तरीके से बिना पासवर्ड के गाइस आप किस तरीके से उस जो है कि ऐप को ऑन कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैं प्ले स्टोर के अंदर चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अलग अलग तरीके के जो है गाइस बहुत सारे जो है कैलकुलेटर ऐप्स यहाँ पर हैं। तो गाइस इन्हीं में से कोई भी ऐप हो गाइस, अगर इन ऐप्स में से किसी भी एक ऐप को अगर आप जो है इस्तेमाल करते हो और उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिना पुराने पासवर्ड के आप जो है अपने इस ऐप को ऑन कर सकते हो। तो गाइस अब हम जो है किसी एक ऐप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक ऐप यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है और गाइस इसके अंदर जो है मैंने अपना अकाउंट भी बनाया हुआ है। अब गाइस मैंने इस ऐप को इस तरीके से ओपन किया है और ये ऐप इस तरीके से गाइस ऑन हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अगर यहाँ पर गाइस अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए हो और आपको नहीं पता कि आपका पासवर्ड यहाँ पर क्या है और आप इसको जो है खोलना चाहते हो लेकिन गाइस आपको जो है अपना पासवर्ड भी याद नहीं है, पासवर्ड भी आपको अपना याद नहीं है और आप इसको जो है खोलना चाहते हो विदाउट एनी पासवर्ड, तो गाइस आप जो है आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि जो है गाइस अब मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस अगर मैं कोई यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड लिखूँगा तो इक्वल टू वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। इसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर नया पासवर्ड लिखना ज़रूरी है। बट गाइस पासवर्ड तो हमें याद नहीं है, अब गाइस हमें इसको खोलना है विदाउट एनी पासवर्ड। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इन सभी चीज़ों को इस तरीके से क्लियर कर देना है। क्लियर कर देने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है 1 1 2 2 3 3 4 4। इस तरीके से गाइस आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आपको इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइस क्लिक कर देना है। इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही गाइस आप क्लिक करोगे इसको तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। तो गाइस जब आप अपना अकाउंट बना रहे थे उस वक्त जो है गाइस आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो गाइस उस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर लिखा था वही आंसर गाइस अगर आप यहाँ पर फिल कर देते हो तो गाइस ये जो आपका कैलकुलेटर ऐप है वो आपको बताएगा आपका पासवर्ड क्या है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर फिल कर लिया, डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर गाइस मेरे कैलकुलेटर का क्या पासवर्ड है मुझे यहाँ पर देखने को गाइस साफ तौर पर मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर मेरा पासवर्ड क्या है। तो गाइस यहाँ पर लिख रहा है योर पासवर्ड इज 1 2 3 4 बता रहा है ये। मैं गाइस अब जो है इसको इस तरीके से क्लियर कर देता हूँ और 1 2 3 4 इस तरीके से जो है गाइस डायल करता हूँ और इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये ऐप देख सकते हो आप हमारा ओपन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा गाइस सिंपल सा ये तरीका है। अब गाइस अगर मान लो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर, जैसा कि अगर हम फिर से गाइस पीछे के साइड में अगर आते हैं और गाइस अगर मान लो आपको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ही नहीं पता, तो गाइस इसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन आप बताने जा रहा हूँ। गाइस आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके ये तो पता कर सकते हो कि आपके कैलकुलेटर का पासवर्ड क्या है, लेकिन गाइस मान लो आप अपना पासवर्ड भी भूल गए हो, कैलकुलेटर का जो पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड भी अगर आप भूल गए हो और इस तरीके से गाइस 1 1 2 2 3 3 4 4 लिखने के बाद अगर इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया है और गाइस जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद नहीं है अगर, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जो है गाइस सिंपल तरीके से करना क्या होगा, आपको गाइस पीछे के साइड में आना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और गाइस जो ऐप है आपका कैलकुलेटर ऐप आपको जो है गाइस उस ऐप को डिलीट कर देना है। उस ऐप को गाइस आपको डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद गाइस वापस से आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद वापस से गाइस आपको जो है उस ऐप को वापस से यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। आप गाइस जब वापस से इसको जो है इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, डिलीट कर देने के बाद वापस से जब आप इसको जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो गाइस आपको जो है वहाँ पर दोबारा से आपका पासवर्ड जो है री इंटर करने का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा और गाइस आप जो है अपना नया पासवर्ड आपसे जो है वहाँ पर पुराना पासवर्ड आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, आपसे जो है नया पासवर्ड वहाँ पर मांगेगा और गाइस आप अपना नया पासवर्ड वहाँ पर लिख करके फिल करके आप वापस से अपने कैलकुलेटर ऐप का इस्तेमाल गाइस कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। गाइस अगर आपने जो है इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो गाइस ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको हर देखने को मिलती रहे।